के एस्ट्रो चैनल में और मैं हूँ आपके साथ रिया। कई बार देखा जाता है कि ग्रहों की वजह से लोगों की शादी नहीं हो पाती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उस उपाय को कर चंद दिनों में आपकी शादी हो जाएगी। शादी ना होना, शादी में अड़चन आना, ये बार बार शादी तय होकर टूट जाना, ये ग्रहों की वजह से हो सकता है। तो चलिए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं। विवाह में रुकावट ना आए, इसके लिए कई दोष होते हैं। विवाह में रुकावट आने के कई कारण होते हैं और ऐसे में शादी पक्की होकर शादी टूट जाती है। ज्योतिषों के अनुसार विवाह के लिए बृहस्पति और शुक्र ग्रह जिम्मेदार होते हैं। अगर ये ग्रह दोनों प्रबल हो तो शादी में किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। इसके अलावा शनि, मंगल और सूर्य के कारण भी शादी में कोई न कोई रुकावट आती ही है। ऐसे में उपाय कुछ अपना कर आप इससे विवाह में आ रही अड़चनों को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं। विवाह के लिए लड़का या लड़की भगवान शिव के मंदिर में जाए और माता पार्वती के साथ उनकी पूजा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। कन्याएं चाहें तो 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से रख सकती हैं और व्रत के साथ माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है वो लोग गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति का भी व्रत रख सकते हैं। इस दिन दिन भर भगवान का स्मरण करते रहें और व्रत रखें और शाम के समय व्रत कथा पढ़कर भगवान को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इसके साथ ही पीले रंग का फूल एवं चंदन चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि दिन में सिर्फ शाम के समय ही अन्न ग्रहण करें, लेकिन उसमें नमक नहीं होना चाहिए। विवाह संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो वहीं सोमवार के दिन 1.25 लीटर दूध और 200 ग्राम चने की दाल किसी जरूरतमंद को दान कर दे। इस उपाय को लड़का या लड़की दोनों कर सकते हैं। लड़का और लड़की प्रत्येक गुरुवार के दिन नहाने वाले पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर स्नान करें, जिससे आपकी शादी तुरंत होने की संभावना बढ़ जाएगी। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, इससे भी विवाह योग्य जल्द बन जाता है। अगर कुंडली में मांगलिक दोष है तो इसके लिए हनुमान जी की पूजा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके लिए मंगलवार के दिन व्रत रखकर भगवान हनुमान जी की पूजा करें और भोग में गेहूं की आटी और गुड़ से बने लड्डू चढ़ाएं। इसके साथ ही सिंदूर भी चढ़ाएं, जिससे आपके विवाह में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी और आपका विवाह जल्द होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।